ऐसा लगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और कहीं ना कहीं मैं इतना प्रेशर नहीं लेना चाहती थी उस दौरान अपने करियर में, तो मैंने वो डिनाई कर दिया था ऑफ़र। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट जाते हैं वो बहुत ही ब्रेव है, क्योंकि वो अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आते हैं, अपना हर एक चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर द मोस्ट ब्रेव पर्सन, बिकॉज इफ दे आर एबल टू यू नो गेट इन टू दैट जोन एंड वो पूरे क्रिटिसिज्म को झेलने के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से जब आप बाहर आओगे तो आप एक अलग तरीके के इंसान होगे, जो एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जिसका नाम है अनफक विदेबल। नाम बहुत अजीब है लेकिन एक्चुअली में वो एक ऐसा जोन आता होगा जब सोचते होंगे कि अब तो सब कुछ, अब इसके बाद क्या। सो आई थिंक बिग बॉस इज़ इंटरेस्टिंग। अभी मैं 2 साल में मैंने जो फॉलोअप किया, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का बिग बॉस बहुत अच्छा था। सिद्धार्थ मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे और शहनाज भी मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी, और इस बार भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार की जो बात थी वो थोड़ा मिसिंग है इस बार, तो थोड़ा वो एक कुछ करना पड़ेगा, स्पाइस अप करना पड़ेगा, तो ही वो अच्छा रहेगा। आपने कहा आपको जाने में परेशानी, मतलब ऐसी क्या परेशानी है कि आप परेशानी एज इन मे बी यू नो आई एम नॉट रेडी। वो उतना क्रिटिसिज्म, मैंने कहा ना जो लोग वहाँ जाते हैं वो बहुत ब्रेव है, तो पेशेंस ब्रेव, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मैं इतनी मैं बन रही हूँ ज़रूर बिल्कुल, लेकिन वो जो एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि आप बिग बॉस में जाएं, और आफ्टर कोरोना तो बिल्कुल भी मैं लॉकडाउन नहीं करना चाहती अपने आप को 3-4 महीने के लिए। तो ऑफकोर्स मैंने वही कहा कि हर चीज़ प्रोसेस में होती है, एंड मे बी वन डे आई विल टेक द डिसीजन टू गो इन बिग बॉस। आपने कहा कि सिद्धार्थ आपके मनपसंद थे। जी जी बिल्कुल। तो इस समय भी वो सिद्धार्थ गए थे, तो क्योंकि लॉकडाउन का समय रहा रहेगा तो आपको समय मिला ही होगा बिग बॉस देखने का। ये तो ये सीज़न में सिद्धार्थ, हिना और गौहर खान की अगर हम बात करें, तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा भारी पड़ा? देखिए एक बात मैं गौहर खान के बारे में बिल्कुल कहना चाहती हूँ, व्हाट अ ग्रेस, कितनी ग्रेसफुल है वो। मतलब जिस तरीके से वो बात करती हैं, अपने शब्दों का चयन करती हैं, उनके लफ्ज़ जो वो कहती हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को यू नो ढालती हैं, कपड़े पहनती हैं, सो मच ऑफ ग्रेस एंड डिग्निटी। आई एम अ बिग फैन ऑफ गौहर खान। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस की वो पसंदीदा कंटेस्टेंट रहेंगी हमेशा, क्योंकि उनके अंदर जो ग्रेस है, जो डिग्निटी है, और अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते हुए अपनी बातों को वो कहती हैं, तो वो मेरी फेवरेट। अगर आप इन तीनों में पूछेंगे तो मेरी फेवरेट गौहर है। और सिद्धार्थ मुझे इसलिए लास्ट ईयर एज अ कंटेस्टेंट बहुत अच्छे लगे थे, एज अ जज मैं नहीं जज करना चाहती उन्हें, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट इसलिए अच्छे लगे थे क्योंकि वो बहुत लॉजिकल बात करते हैं। उनकी जो बातें होती हैं वो इतनी लॉजिकल होती हैं कि आप भी बैठ कर ये सोचते हैं कि कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्ती आपको भी काफ़ी पसंद आई। जी क्या कहना चाहेंगे, उनका गाना भी आया है अभी, लेकिन काफ़ी ट्रेंड भी हो रहा है गाने को लेके, आपने देखा है वो गाना? नहीं बोलूँगी, मैंने गाना नहीं देखा है अभी, लेकिन आई एम श्योर दोनों ने बहुत अच्छा किया होगा। और शहनाज की जो क्यूटनेस है, जो नॉटीनेस है उनके अंदर, और जो बेबाक तरीके से वो बात करती है, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्यूट आई फील। और दोनों की नोकझोंक भी बहुत अच्छी है, तो वो हमेशा देखे, हम एक्टर्स का काम क्या होता है, एंटरटेन करना, तो वो उन दोनों में वो एंटरटेनमेंट भरपूर मात्रा में है, और वो हमेशा लोगों को एंटरटेन करेंगे। ओके, तो गौहर खान की बात किया जाए, अभी उनके लिंकअप की जो खबरें आ रही है बिल्कुल जैद दरबार से, तो क्या आपको क्या लगता है कितना ये इसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आया कि वो दोनों एंगेजमेंट भी करें, तो क्या आपको क्या लगता है कितना, क्योंकि पब्लिक से देखिए प्यार जो होता है ना वो छुपता नहीं है, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। उम्र भी तो मायने रखती, एज भी मायने रखती, कोई मायने नहीं रखती। आप ये बताइए किसी चीज़ की क्या गारंटी है कि आज आपने अपने से छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली, या आपने अपने बड़े की उम्र से शादी कर ली, तो वो शादी या रिश्ता टिकेगा? किसी चीज़ की अब ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो हम गारंटी की तो बात ही ना करें तो बेहतर होगा। दूसरी चीज़, प्यार इन सब चीज़ों से ऊपर होता है। अगर आपको किसी से प्यार है तो वो हर अनकंडीशनल होगा तो ही खूबसूरत होता है। अगर उसमें कंडीशंस लगाएंगे तो वो प्यार नहीं है, फिर वो बिज़नेस है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्यार वाली जो फीलिंग है वो मुझे भी नज़र आती है। और इस्माइल दरबार जी बहुत सालों पहले मैं वो मेरे पड़ोसी थे और बहुत ही अच्छी फैमिली में वो जाएंगी, क्योंकि इस्माइल सर अपने आप में बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। जैद को भी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से तो नहीं लेकिन कभी कभी मुलाकात होती थी क्योंकि पड़ोसी हो तो कभी कभी, लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली है। और गौहर सब लोग जानते हैं कि शी इज़ द एग्जाम्पल फॉर ग्रेस एंड डिग्निटी। सो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि दोनों प्यार करने वाले मिलें और इन सब दकियानुसी सोच से ऊपर होकर अपने प्यार को। मैम आपने कहा बिग बॉस भी आप देख रहे हैं, आपकी कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है इस समय और आपके कोई फ्रेंड्स गए बिग बॉस के घर पर? देखिए मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, जैसे कि एजाज को जानती हूँ, मैं अभिनव शुक्ला को जानती हूँ, मेरे बीसीएल में जब हम लोग कोलकाता बाबू मुशायद से मैं खेल रही थी तो वो थे टीम में, तो मुझे इतना पता है कि अभिनव बहुत ही डिग्निफाइड अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही डिस्कवरी करते हैं, बहुत घूमना फिरना पसंद करते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं रहते। अभिनव की सबसे अच्छी बात यह है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं रहते, वो एक ऐसे वो जो रियल एक मैन होता है वो वैसे है। तो कहीं ना कहीं वो अभी दिख नहीं रहा है लेकिन धीरे 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 उनको और चांसेस मिलेंगे तो वो अपने आप को प्रूव करेंगे। और उनकी और रुबीना की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, एंड आई एम श्योर अगर उनको थोड़ा और वक्त दिया जाए तो वो एक इंटरेस्टिंग कपल के तौर पे आएंगे सामने। एजाज भी अच्छा कर रहे हैं, एटलीस्ट एजाज की वजह से थैंकफुली बिग बॉस में कुछ है देखने के लिए, वरना अदरवाइज़ बहुत बोरिंग हो जाता। तो एजाज कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो अच्छा लगता है कि यू नो एटलीस्ट ही इज़ बीइंग हिज रियल सेल्फ। बहुत बड़ी बात है कि बीइंग सच अ बिग सेलिब्रिटी एंड ही इज़ रियली ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, और वो इतना रियल अपने आप को दिखा रहे हैं बिकॉज द वे ही इज़ शोइंग हिमसेल्फ दैट्स द वे ही इज़। सो ये एक बहुत ही कमेंडेबल थिंग है। जैसे कि आप एजाज की अच्छी दोस्त है, उनके बारे में बिग बॉस के घर पर कुछ भी बोला जा रहा है लाइक अगर आपने देखा, क्योंकि मैं अच्छी दोस्त नहीं हूँ पहले तो आप लोग जो ये तरुण प्रौढ़ के मैं बिल्कुल अच्छी दोस्त नहीं हूँ, मेरे इंडस्ट्री में बहुत कम फ्रेंड्स हैं। मैं एजाज से हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनके तौर पे कई दो तीन बार ऐसे मिली हूँ, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन की है। तो जब आप थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करते हैं तो आप किसी को पूरी अच्छी तरीके से नहीं जान सकते। जैसे मैं आपको इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मैं इतना जानती हूँ कि आपको हंसना बहुत पसंद है, आप काफ़ी हंस रहे हैं काफ़ी देर से, आपके बगल में जो बैठी हुई काफ़ी हंस रही है काफ़ी देर से, तो आप हंसमुख हैं। एक नॉर्मल आप जब किसी के बारे में कुछ बात करते हैं सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ बंदा जो है या बंदी जो है वो साइको नहीं है, वो अच्छी है या करेक्ट। तो एजाज बहुत ही चिल्ड आउट लगे मुझे जब भी मैं मिली, हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, मुझे कभी परेशान नहीं लगे, कभी जो चीज़ें हो रही है वैसे नहीं लगी। बट अब क्योंकि वो अब उनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ रहना है तो वो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि क्या है और क्या नहीं। बट अभिनव के बारे में बात करेंगे, अभिनव काफ़ी शांत है और रुबीना काफ़ी हंगामा कर देती है, सभी लोगों का कहना है। हाँ क्या कहना चाहिए दोस्त है रुबीना के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा ही होता है ना, अभी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, अगर दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो फिर भाई बहन हो जाएंगे। तो सही बोला आपने, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत यू नो समानता ना हो तो ही अच्छा है। और अभिनव गंभीर है तो वो थोड़ी नटखट है, तो अगर वो दोनों ही गंभीर हो जाएंगे तो फिर बिग बॉस में तो मज़ा ही नहीं आएगा एज अ यू नो ऑडियंस। वैसे भी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि बिग बॉस उतना मज़ा नहीं आ रहा इस बार, तो हर हम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें हो ऐसा कि हमें मज़ा आए। तो इट्स गुड दैट रुबीना थोड़ी वैसी है, और रुबीना की अच्छी बात मुझे उनके डिक्शन बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है क्योंकि वो एक बहुत ही छोटे से गांव से हैं हिमाचल के, और उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है, एकेडमिक्स उनका बहुत अच्छा है। तो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं, रुबीना में ये एक अच्छी बात है, अभिनव में कोई अच्छी बात है, तो आई थिंक दैट्स हाउ दे बैलेंस ईच अदर। जिस तरह से आप बिग बॉस के बारे में बता रही हैं मैम जी, ऐसा लग रहा है कि आप टॉप 5 में तो आप जाएगी जाएगी अगर आप बिग बॉस के घर पे जाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, चलिए आपको ऐसा कहते हैं ना मैनिफेस्टेशंस, आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। जैसे आपने आज ये बात बोली अब वो यूनिवर्स में गई, अब यूनिवर्स में जाने के बाद कुछ दिनों तक वो रहेगा और हो सकता है नेक्स्ट ईयर मैं ऐसा ही हूँ और फिर मैं अब बोलूँगी कि हाँ वो जो एक लड़का था
जो हंस रहा था उस दिन बैठ के उसने ये बात कही थी. सो या यू नेवर नो. ओके बिग बॉस की अगर हमने आपने जैसे सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी कैसी लगती है आपको अगर आप बात करें? हाँ मैंने आपको बताया कि उनकी जोड़ी बहुत ही लाखों में एक जोड़ी है और मैं तो चाहती हूँ कि दोनों बस हो जाए. मेरी क्यूट दी स्माइल पे कितना हंस दी. वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. थैंक यू सो मच. लव यू टॉकिंग टू मैम. थैंक यू सो मच. बाय.